हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बाजार तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आप तो मंदी की बात करते हैं हमेशा। देखिएगा, मैं मंदी की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रहे। बाजार जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स। आप बैंक निफ्टी को एक बार साइड रखिए, बाकी बैंकों की बात कर रहे हैं। देखिएगा, अच्छा साउथ इंडियन बैंक है, येस बैंक है, और स्पेशली आज येस बैंक के अंदर मैं आपको बात करूं कि 22 रुपये के आसपास, 23 रुपये के आसपास शेयर का भाव था, लेकिन कंपनी ने आज ही जो है 13 साढ़े 13 रुपये, 14 रुपये से कम, मेरे को एग्जैक्टली अब फिगर याद नहीं है, पर 14 रुपये से कम, 13 रुपये समथिंग कुछ पैसे के हिसाब से आज बिलियंस में शेयर अलॉट किए हैं, और वारंट्स भी जो है अलॉट करने का प्रॉमिस किया है सिमिलर प्राइस के ऊपर। तो आप ये देखिएगा कि इक्विटी डाइल्यूशन कितना है। बाजार का में भाव 23-24 रुपये, इशू प्राइस 14 रुपये। तो आप ये समझ सकते कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या समझती है, बाजारा भी क्या समझ रहा है। बट मार्केट इज ऑलवेज राइट, हम ये तो कहेंगे नहीं कि गलत है, लेकिन ये वास्तव में एक ट्रैप जो है मुझे लग रहा है, और ट्रैप इस तरीके से लग रहा है कि एक जो छोटी टिकट साइज के शेयर्स हैं, 50, 100, 150 रुपये तक के जो शेयर्स हैं, उनमें इस तरीके का गेम किया जा रहा है। और ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स जो कि इंडेक्स का पार्ट नहीं है, हालांकि इंडेक्स के शेयर्स ने भी अच्छा किया है, मैं ये नहीं कह रहा, और मुझे वहाँ पर भी वो ओवर प्राइज लगते हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे शेयर्स ऐसे लगते हैं जो ओवर प्राइज है, और मुझे बैंक निफ्टी भी ओवर प्राइज लगता है, और आपको पता है कि मेरी पोजिशंस जो है शॉर्ट साइड में ही है, लेकिन मैं अपनी पोजीशंस को, क्योंकि देखिए ऑप्शंस हमारी बाइंग ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि हम ऑप्शन सेल ही करते हैं, तो अगली बार रोल ओवर भी करेंगे तो ऊपर की कॉस्ट वही माल जो है सेल होगा, बट एक टाइम है जो है वो होता है, या जो हेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट में जो है लगती है। लेकिन कुल मिलाकर देखिएगा, मेरा जो कम्फर्ट है वो इस समय पर बाजार के अंदर जो हमारे पास स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ पे अच्छी तेजी हो रही है, और अगर लगता है हमें कि फंडामेंटल वैल्यूज के आगे चलेगा, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट बुक करने का मौका है। बाजार अभी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो आज की जो रिएक्शन है वो आई इंटरेस्ट रेट की वजह से, कि भाई जो CPI इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा ईज हो गई, लेकिन 4% IIP के डेटा भी कट गए। ये एक जो है क्लासिकल केस बनता है कि भाई इंडिया में भी GDP के अंदर डी ग्रोथ देखी जा रही है, और ये चीज़ें जो है बाजार अभी नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार जानबूझकर जो FNO के जो ट्रेडर्स हैं, वो अपनी पोजीशंस को ऊपर के लेवल पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने के लिए बाजार को ऊपर लेके खड़े हुए हैं, और जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो अपने सौदे काट लें और वो भी तेजी में आ जाएं, और उसके बाद बाजार के अंदर एक जबरदस्त वाली प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी चल रही है। हो सकता है 2 दिन 4 दिन जो है, हालांकि हम बहुत दूर नहीं है अब उस मंजर से कि जब बाजार जो है बस स्पेशली बैंक निफ्टी अपना टॉप बनाए और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हो, हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है अभी भी, और जब वो सिग्नल लगेगा तो हम जो है मंदी की पोजीशंस और एग्रेसिवली बनाएंगे, लेकिन तेजी करना मुझे पर्सनली ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, और रीज़न बिल्कुल सिंपल है। और मेरे को यहाँ पर अगर किसी सेक्टर में तेजी करनी है तो मुझे वो दो ही सेक्टर लग रहे हैं, पहला है फार्मा, और IT में भी जब चीज़ें क्लियर होंगी तब, तो मुझे लग रहा है फार्मा में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और फार्मा जो है तेजी बन सकती है यहाँ पे। और जो इंडस्ट्रियल्स हैं, ऑटो है, ये जो बाकी सेगमेंट है, उन सेगमेंट के अंदर इकोनॉमी का पेन देखा जा सकता है, और जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है जिसमें IT जो है मेजर है, वहां पर देखिएगा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में, और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपोर्ट है वहां पर चैलेंजेस देखिएगा अभी भी विदेश के अंदर है। लेकिन उन सब के बीच में जो मेरे कंसर्न्स हैं वो आप देखिएगा, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज से समझिएगा, ट्रेड तभी ले जब अभी आपको डायरेक्शन से एकदम नजर आए, क्योंकि जब भी फॉलो आएगा बड़ा शार्प होएगा, ये मुझे पता है। मैं उन टेक्निकल लेवल्स की टूटने का इंतजार करूंगा जहां पर कि हमें लगेगा कि हाँ क्लियर कट बाजार में प्रॉफिट बुकिंग बन रही है। तो अभी बाजार आपको असमंजस में डाल रहा है, नीचे जाता है तो वो ट्रैप करने के लिए जा रहा है, और आपको लग रहा है कि जी बाजार जो है तेजी में। आज मैं आपको बात बताऊं कि
कि आज मैं सबसे पहले HDFC बैंक की बात करता हूँ। देखिएगा, मैं आज HDFC बैंक को बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहा था और HDFC बैंक का भाव देखिएगा 48 होगा, 1648, ये 1648 रुपये का भाव है, 1648 रुपये 30 पैसे। आज तकरीबन एक घंटे, अगर कोई HDFC बैंक में काम करता है उसको पता होगा, 1648 रुपये और 1648 रुपये 70 पैसे के बीच में काम करता रहा, और ज़्यादातर टाइम 1648 की एब्सोल्यूट फिगर के ऊपर या 1648 5 रुपये के ऊपर ट्रेड हो गए। दिन भर ऐसा ट्रेड हुआ कि देखिएगा, एक इकोनॉमिक्स का एक बड़ा प्रिंसिपल, आज इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि सप्लाई एट ए हायर लेवल, जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस हाई हो जाते हैं तो उन प्राइस के ऊपर एक सप्लाई अच्छी आती है। आज HDFC बैंक के अंदर जो आप देखेंगे, HDFC बैंक अभी 70% की डिलीवरी वॉल्यूम के साथ काम कर रहा था। आज HDFC बैंक के अंदर जब ये ऊपर के प्राइस आए कल के बाद आज, तो एक अच्छी खासी सप्लाई हमें देखने के लिए मिली, लेकिन माल बेचने वाला इत्मीनान से माल बेच रहा था, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है उसके अंदर। ऐसा लग रहा है कि माल बेचने वाले बड़े इत्मीनान से माल बेच रहे हैं, क्योंकि जो शॉर्ट प्लेयर्स हैं उनको अपनी पोजीशंस कवर करनी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं ये अपनी मंदी की पोजीशंस FNO में ट्रेड बना रहे हैं, और धीरे 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 करके ये जो पोजीशंस हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये अभी जो माल है कैश मार्केट में धीरे धीरे बेचना भी शुरू कर रहे हो, और जब बायर का बिल्कुल गले तक माल भर जाएगा उसके बाद आप सेलिंग देखेंगे, क्योंकि एल्गोज से पता चल जाता है कि भाई अब बाइंग खत्म होगी, बायर के पास अब दम नहीं है। जैसे आज HDFC बैंक में भी देखें तो आज की जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो 64% है। नॉर्मली HDFC बैंक का डिलीवरी वॉल्यूम 70% से ऊपर चल रहा है आज हाल फिलहाल में, और कुछ और ऐसे बैंक्स हैं, ICICI बैंक में तो हल्का 70 से ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनमें डिलीवरी परसेंटेज 2 या 3% गिरा है। तो ये बताया जा रहा है कि भाई ऊपर के लेवल पर सप्लाई आ रही है, नो डाउट, लेकिन प्राइस को जो है मेंटेन किया जा रहा है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। लेकिन ये सारे सौदे FNO में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि भाई जो एक रिटेलर है, भाई मैं तो कैश में माल ले रहा हूँ, लेकिन देखिएगा जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो DIIs हैं या जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, FIIs हैं, वो पोजीशंस FNO में भी बना के रखते हैं। तो जब उनको लगता है कि तेजी का भाव है तो वो जरूरी नहीं कि अपना माल पहले बेचे, वो अपने पहले पोजीशंस बनाते हैं FNO के अंदर मंदी के, और फिर अपना माल ऑफलोड करते हैं। तो इस तरीके की परिस्थिति हो सकती है, और आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार बड़ी तेजी में, तो तेज है टेक्निकली, लेकिन इस बात के लिए मैं पिछले मेरे ख्याल से 7-8-10 दिन हो गए, 15 दिन ही हो गए होंगे, मुझे अभी देखिएगा कंफर्ट नहीं है, मैं अपना बता सकता हूँ। और मुझे जहाँ पर भी अपने पोर्टफोलियो में मौका मिल रहा है सही लेवल पर, जहाँ पर मेरा कंफर्ट है कि भाई हाँ मैं इसमें से कुछ क्वांटिटी ऑफलोड कर सकता हूँ, तो वहाँ पर हम ऑफलोड भी कर रहे हैं। और सिमिलर जो है व्यू मैं अपने जो भी हमारे मित्रगण हैं या जो भी क्लाइंट्स हैं उनको सिमिलर व्यू ही हम जो है शेयर कर रहे हैं। तो निफ्टी देखिएगा 18608 पे आज बंद हुआ, 110 पॉइंट की तेजी। आप कह सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन के डेटा कमजोर थे, बट मुझे लगता है कि पिछले 6-7-8 दिन की कैंडल देखो ना, तो एक तो रिलीफ आना ही था, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा यहाँ ट्रेड करें, और उसके बाद महीने के अंत तक आपको सारी पिक्चर क्लियर होने की, मतलब यानी कि लास्ट वीक में पिक्चर क्लियर होने की अच्छी संभावना जो है हमें लगती है। और उसका जो आज हमें उम्मीद थी कि एक ऊपर से एक सेलिंग आएगी, बट एक चीज़ है कि बाइंग अब नीचे से नहीं आ रही है, बाइंग केवल मेंटेन करने वाली है। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, TCS और अदानी इंटरप्राइज और रिलायंस, मैं इन बैंक निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में तो हालांकि देखिएगा अभी इंडेक्स मैनेजमेंट कंटिन्यू है। अभी 2 दिन पहले तक इनका भाई सब कोई आता पता नहीं था कि इन्फोसिस, TCS, SCLTech को एक दिन में 6% तोड़ा था, भाई ये क्या हो गया, IT खराब होगी। अभी देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ, इन्फ्लेशन कम हुई, अभी यही IT आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, ये मेरा व्यू है, हो सकता है आपको सहमत ना हो, देखिएगा अभी ITO ने संबंधी बोल रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने के अंत तक आपको इंडेक्स में ऐसी चेंज नज़र आएगा कि जो बैंकिंग सेक्टर का जो पैसा है वो शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे IT के अंदर, लेकिन लोगों को पता नहीं चलने दिया जा रहा, और कुछ हिस्सा जो है मेडिकल जो स्टॉक्स हैं उनसे भी, यानी कि जो फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें भी शिफ्ट हो रहा है। नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन और HUL और हिंडालको जैसे शेयर्स कमजोर हैं, और एडवांस डिक्लाइन रेशो, एडवांस डिक्लाइन तो बहुत अच्छी लगेगी आपको, लेकिन आप देखो जो एडवांस डिक्लाइन शाम तक का क्या हाल हुआ, सारे एडवांसेस गिरते गिरते नीचे की तरफ आ गए। ये मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की निशानी होती है,
और जो स्मार्ट प्लेयर है वो कर रहे होते हैं, रिटेलर तो भैया भी पीछे लग रहा होगा, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, फिर तो माल मिलेगा ही नहीं, इस तरीके सोचते हैं। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा आज मजबूत नजर आया। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और महिंद्रा महिंद्रा में तेजी थी। टीसीएस भी तेजी के सितारों में शुमार था। तो आज आईटी वाले तेज थे, तो आईटी ने निफ्टी को चला दिया, इसीलिए बैंक निफ्टी के सामने निफ्टी ने ज्यादा आउट परफॉर्म किया, यानी कि आउट परफॉर्मेंस दी। अपोलो हॉस्पिटल, यूपीएल, इंडालको और भारत पेट्रोलियम जैसे शेयर्स कमजोर थे। और भारत पेट्रोलियम देखिएगा, अपनी एक रेजिस्टेंस 330 था, उसके पार खड़ा है, तो 330 अब एक्सपोर्ट हो गई है। ब्रिटेनिया और नेस्ले जैसे शेयर्स भी कमजोर थे। निफ्टी बैंक हालांकि आज 0.6% चला है निफ्टी, और निफ्टी बैंक चला 0.54, और ये भी फाइनेंशियल निफ्टी के जोर पे चल रहा था, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में जो फाइनेंशियल निफ्टी के सौदे जिधर बने हुए थे उधर बाजार को घुमाया गया। और हालांकि कैंडल तो निफ्टी की मजबूत है, और आज ओपन इंटरेस्ट में भी अनबेंडिंग हुई है। आ जाइए, स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के सभी बैंक तेजी में थे। उसके बाद FIIs भी आज थोड़ा सा बैकफुट पे थे, 619 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। DIIs ने 36 करोड़ की, और FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग की है 556 करोड़ की, लेकिन आज ऑप्शंस बेच के चले गए 5034 करोड़ की। उसके बाद 1673 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में, तो न्यूट्रल डाटा FIIs के। लेकिन आज भाई सब क्या है, निफ्टी के अंदर तो ऑप्शन चेन ठीक है, 0.895 का पुट कॉल रेशियो है, लेकिन बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 1.51 हो गई है। और अगर यहाँ से 0.10 और बढ़ती है, यानी कि 1.6 के आसपास आती है, तो ये समझिएगा कि पुट राइटर बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि भाई बेच दो, पुट बेच दो, और अब आज हम अनवाइंड नहीं करके जाएंगे, क्योंकि लास्ट के 2 दिन बचे हैं। तो जो वीकली ऑप्शन हैं उनके लास्ट 2 दिनों में जो आउट ऑफ द मनी पुट बेची जाती हैं, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वहाँ तक बाजार जाएगा ही नहीं, तो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस बहुत है। और कॉल ऑप्शंस जो है एट द मनी के ऊपर बहुत है, यानी कि जो कॉल राइटर्स वो बड़े एग्रेसिव हैं। आज देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक सबसे खास बात, अगर हम चर्चा करें तो पहले ब्रेंट क्रूड देखिएगा, $80 के आसपास पहुंच गया। निफ्टी में तो सब अनवाइंडिंग हो गई पुट, यानी कि इन डेटा को देख कर तो ऐसा लगता भाई निफ्टी कल ही 19,000 लगा दे, ठीक है जी, ऐसा लग रहा है, बट होता नहीं है ऐसा। बट मतलब ऑप्शन चेन के अंदर ये बता रहे हैं कि जो भी कॉल थी वो अनवाइंड हो गई। 18,600 पे 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट है, 18,700 पे 1,72 है, 18,800 पर 1,42 है, लेकिन कुल मिलाकर आज मंदी करने वालों ने अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर ली वहीं पर, जिनको लगता है कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा। 18,600 पे 37,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है आज पुट में राइट किए गए, और 18,500 33,000 में, तो पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त। और बैंक निफ्टी में तो साफ साफ ये देखा जा सकता है कि कॉल राइटर नदारत है, और पुट राइटिंग जो है आज 43,900 पे भी हुई, 64,000 कॉन्ट्रैक्ट, 44,000 के ऊपर 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 44,000 एक इमीडिएट जो है हर्डल हो सकती है। हालांकि बाजार हो सकता है कल 44 के ऊपर ही खुले, तो यहाँ पर जो शॉर्ट है वाले प्लेयर्स है कॉल राइटर वो ट्रैप हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर कल 44 के ऊपर बाजार खुला है, 44,100-200, तो फिर ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनती है। लेकिन अभी हम कोई भी सौदा नहीं ले रहे हैं, अब हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि भाई बाजार जो है क्रैक होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बाजार क्रैक होगा तो वहाँ पर उस क्रैक होने के समय पर अपनी पोजीशंस मंदी की जो है हम एग्रेसिवली बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई अभी हमने आज ही इंतजार कर रहे तो आज ही हो जाए, लेकिन फिर भी आप अपना कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद निवेश करें, उसके बाद ट्रेड लें। और ट्रेड में भाई अपने स्टॉप लॉस का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, और अगर ट्रेड में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे स्टॉप लॉस का, तो पोजीशंस फिर लंबी खिंच जाती है। या अपनी पोजीशंस को इस तरीके से हेज करें कि आप अपने लॉस को और प्रॉफिट को सही तरीके से असेस कर सकें, ठीक है जी। मेरा व्यू तो देखिएगा, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि तेजी का तो नहीं है बिल्कुल भी, और तेजी का मेरा जहाँ पे है वो मैंने आपको बता दिया कि मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स आईटी में बनेगा। बेशक से सारी दुनिया जो है उसके अंदर मंदी की बात कर रही है, बट मुझे लगता है कि भाई प्राइस अच्छे आएंगे। और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था 3,000 के आसपास जब TCS आया था तो वहाँ से अच्छा बाउंस बैक हुआ, इसी तरीके से इन्फोसिस के भी जो प्राइस बताए थे वहाँ से देखिएगा बहुत अच्छा बाउंस बैक हुआ। अभी भी मैं डिफेंसिव के अंदर जो है फार्मा, सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स जो है मुझे पसंद है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको डिवीज लैब की बात की थी, तो जहाँ पर डिवीज लैब की पुट राइट करने की बात की थी वहाँ से देखिएगा बहुत अच्छा डिवीज लैब के अंदर भी प्रॉफिट आया। तो मेरा जो अभी नज़रिया है वो डिफेंसिव के ऊपर है, और डिफेंसिव में वो देखना है मुझे कि जो बॉटम डाउन स्टॉक्स हैं
और जहां पर फंडामेंटल्स इतने खराब नहीं है जितना बाजार ने पीट रही है। तो हालांकि ऐसे शेयर्स आपको बहुत कम मिलेंगे, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंकों में कोई स्पेकुलेशन या कार्टलाइजेशन जो है जैसी स्थिति है, क्योंकि कुल मिलाकर बैंकों में इस तरीके से जो फंडामेंटल्स के अगेंस्ट जो छोटे टिकट साइज वाले बैंक हैं वहाँ पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और वहाँ पर ट्रेड करने का मैं तरीका अपना बता सकता हूँ, वो आप फॉलो चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास येस बैंक का शेयर है, मान लीजिएगा उसका भाव 24 रुपये है, तो और आपने 12-13 रुपये का खरीद रखा है और आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो आप अपना स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा 19 रुपये 95 पैसे, यानी कि 20 रुपये क्योंकि एक स्पोर्ट होगी, या 19 रुपये 80 पैसे के आसपास। और मान लीजिएगा अभी शेयर का भाव 28 हो जाए तो अपने स्टॉप लॉस को 22 या 23 रुपये के आसपास ले आए, और मान लीजिएगा भाव ऊपर जाए तो ऐसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। और वैसे तो अगर मुझे लगता कि भाई जिस तरीके से येस बैंक में 2-3 दिन में तेजी हुई और आज तो वॉल्यूम भी बड़े जबरदस्त थे येस बैंक में, तो वो कार्लाइल ग्रुप की जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाह रहा है येस बैंक में, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट कुल मिलाकर वहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन कर रही है मैनेजमेंट, यानी कि कुछ नए शेयर सस्ते भाव में इशू कर रही है 14 रुपये के नीचे। तो ये जो है इन्वेस्टर को खुद अपने रैशनल को समझना है, लेकिन बाजार जरूरी नहीं है कि हमेशा रैशनलिटी के साथ चले। बाजार में सट्टेबाजी भी जो है एक प्रमुख चीज़ है, तो कुछ चीज़ें जो है फंडामेंटल से परे सट्टेबाजी में चलती हैं, जबकि कंपनी के मैनेजमेंट को समझते कि भाई 3 रुपये का हमारा भाव नहीं, हम तो सस्ते में शेयर इशू कर रहे थे, तो वहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, लेकिन शेयर बाजार के अंदर येस बैंक तेज़ी से दौड़ लगा रहा है। तो ये देखिएगा सब चीज़ें होती हैं। तो आप अपने ट्रेडर को अपने निवेश को अपने समझ से रखें। मैं तो आपको बस केवल एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए गाइड देने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अपना जो है विशेष ध्यान कैसे रख सकते हैं। और देखिएगा मैं आपके साथ जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें ये नहीं है कि भाई मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही होगा, बाजार है, बाजार में मेरा जो पर्पज़ है वो ज़्यादातर तो एजुकेशन का है, और अपना व्यू आपके साथ रखता हूँ। मेरा व्यू हमेशा ठीक हो ऐसा नहीं है, हमेशा गलत हो ऐसा भी नहीं है, बट हालांकि अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों से मेरा व्यू नेगेटिव है, लेकिन बाजार मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पोजीशंस लेके ही काम करूं। पोजीशंस हम तभी लेंगे जब हमें क्लियर कट लगेगा कि भाई अब गिरना शुरू, और क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी बाजार गिरेगा तो वो ये शोर है कि एक शार्प फॉल आएगा बढ़िया वाला, तो उस शार्प फॉल के अंदर जो है पैसे बड़ी तेज़ी से बन सकते हैं। और जहाँ पर दूसरे शेयर्स हैं जहाँ पर हमें लगता है कि वो चाहे ऑटो में है, ऑटो एंसिलरी में है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, या इवन स्पेशलिटी केमिकल्स वाले जो स्टॉक्स हैं, और आपको जहाँ पे लगे कि भाई हाँ वैल्यू ऊपर की तरफ आ गई और फंडामेंटल वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप चाहे तो अपने प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। मैं जो भी राय आपके साथ शेयर करता हूँ मैं सिमिलरली वही राय आपके साथ रखता हूँ जैसा मैं खुद बाजार के बारे में सोचता हूँ, या मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर उन चीज़ों के ऊपर सिमिलर रिएक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, तो ये तो थी आज की चर्चा, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।